हेलो मेरे सुपर अचीवर्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु 40। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शेयर फॉर फ्यूचर के जर्नल कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और टेक्निक के साथ हम ये टॉपिक करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर Dizu Limited offered 2000 shares to Shyam for rupees 100 each and 1000 shares to Louis for rupees 100 each. It means kya hai ke Dizu Limited ne offer kiya hai 2000 shares Sam ko aur 1000 shares to Louis ko. Ab aage ki kahani dekhte hain. Ye hai hamara Sam. To Sam jo hai wo ek good man hai, rich man hai. To ye kya karta hai, apna sara dues jo hai wo time pe deta hai. Due means कि शाम को हमने 2000 शेयर ऑफर किए तो 100 रुपीस ड्यू था। तो 100 रुपीस जो ड्यू है, सैम ने बहुत अच्छे से टाइम पे कर दिया। तो सैम एंजॉय हिज ऑनरशिप इन कंपनी। क्यों? क्योंकि शाम जो है वो बहुत ही अच्छा है, रिच भी है, तो इसीलिए उसने ड्यूज अमाउंट को बहुत टाइम पे कर दिया और अपनी ऑनरशिप को बिल्कुल अलाइव रखा कंपनी में। तो इसी वजह से सैम जो है उसको कंपनी ने डिविडेंड पे किया रेगुलर बेसिस पर। डिविडेंड आप जानते होंगे बच्चों, जब शेयर में पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर होल्डर, तो पब्लिक प्रॉफिट का एक पार्ट उसे रिटर्न के तौर पे वापस करती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे शाम को जो हमने शेयर इशू किया उस पर हमारे पास टोटल ड्यूज अमाउंट बिल्कुल टाइम पे आ गया। अब आगे चलते हैं। तो ये है लुइस। अब लुइस बहुत बदमाश किस्म का है। लुइस जो है वो राउडी मैन है। ही डिड नॉट पे द ड्यू अमाउंट ऑन शेयर आफ्टर गिविंग सेवरल नोटिस टू हिम। इट मींस क्या है कि उससे भी कंपनी को 100 रुपए लेने थे, 100 रुपीज लेने थे, बट वो राउडी मैन है, बदमाश है, उसने कंपनी की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू टाइम पर पे नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा या वो नहीं पे करना चाहता है। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको 15 दिन का नोटिस और दिया, बट फिर भी उसने वो पैसा ड्यू अमाउंट जो है पे नहीं किया। तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस लुइस को, जो राउडी मैन है, उसको मान लिया डिफॉल्टर और उसकी ओनरशिप को कर दिया यहाँ पे कैंसिल। तो बच्चों आपको आइडिया मिल रहा होगा कि शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है यहाँ पर। तो जब एक शेयर होल्डर ड्यू टाइम पर पैसा नहीं दे पाता है कंपनी को, तो कंपनी हैज द राइट टू कैंसिल हिज ओनरशिप। तो ओनरशिप को कैंसिल कर देना ड्यू टू द नॉन पेमेंट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। यस, यू गॉट इट राइट। कि शेयर फॉरफीचर मींस कि व्हेन एनी शेयर होल्डर डज नॉट मेक पेमेंट ऑन ड्यू टाइम, देन द कंपनी हैज द राइट टू फॉरफीट हिज ओनरशिप। इट मींस टू कैंसिल हिज ओनरशिप इन द कंपनी। ही विल नो लॉन्गर बी द ओनर इन द कंपनी। अब आगे चलते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसका क्या मतलब हुआ? कैंसलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। इट मींस एक शेयर होल्डर जब ड्यू टाइम पर अमाउंट पे नहीं करता है, तो उस केस में हम उसके शेयर होल्डिंग को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। शेयर होल्डिंग कैंसिल करने का मतलब है कि उसकी ओनरशिप को बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉरफीट कर दिया जाएगा। उसे ही बोला गया है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब इसके दो इम्पैक्ट होते हैं बच्चों कंपनी के ऊपर। एक तो सबसे पहली बात, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है उतने ही नंबर ऑफ शेयर से जितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर दिए। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अब ये है यहाँ पर फॉरफीचर, इट मींस कैंसलेशन कर देना शेयर होल्डिंग को। सो डेफिनेटली यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा विद द कोल्ड अप अमाउंट या फिर फेस वैल्यू से। तो पहला जो इफेक्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर का कंपनी पर, वो रहेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देन दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है ओनरशिप कैंसिल कर देना, और जो अमाउंट हम शेयर होल्डर से ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं उस अमाउंट को फॉरफीट कर देना। सो दो इम्पैक्ट फॉरफीचर के टाइम पे रहने वाले है। एक, हमारी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड से रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा जो शेयर होल्डर है उसकी ओनरशिप जो है कंपनी में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर।
अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की ओर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल हम देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, व्हेन द शेयर इज इशूड वी क्रेडिट शेयर कैपिटल फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। आपने देखा होगा कि शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर एप्लीकेशन, जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो वो सारा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके क्रेडिट कर देते हैं। सो इट मींस क्या है कि व्हेन वी आर मेकिंग शेयर होल्डर एंड वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन कॉल, सो देन होल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल। तो वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब उन शेयर होल्डर में से कुछ शेयर होल्डर ने हमारा ड्यू अमाउंट पे नहीं किया, बट ऑलरेडी हम शेयर कैपिटल में ड्यू कर चुके हैं टोटल अमाउंट से। तो इसीलिए जर्नल का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि फोर फ्यूचर में हम क्या करेंगे। सो इन दिस सेंस वी कुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी कैंसल द शेयर एंट्री शुड बी रिवर्स। तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए? रिवर्स। इट मींस पैसा आया ही नहीं और हमने ड्यू किया हुआ है, तो इसीलिए इस एंट्री को रिवर्स करके हमें ये शेयर करने पड़ेंगे कैंसिल। तो इसीलिए शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है और शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो यहीं से हमारा जर्नल का कॉन्सेप्ट निकल के आया और फोर फीचर का हमारा जर्नल क्या हुआ? शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बिकॉज द शेयर कैपिटल विल रिड्यूस बाय द नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। यहाँ शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे होल्डर वैल्यू या फिर फेस वैल्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये, या तो हम कॉल्डअप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फेस वैल्यू से। अगर कॉल्डअप गिवन नहीं है तो फेस वैल्यू रहेगा, बट अगर कॉल्डअप गिवन है तो हम कॉल्डअप से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शेयर कैपिटल को भी कॉल्डअप वैल्यू से ही क्रेडिट किया हुआ है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम इशू के टाइम पे रिसीव करते हैं। अगर वो अमाउंट हमें नहीं मिला होगा तो वो तो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, तो उसे कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? डेबिट करना होगा उतने अमाउंट से जितना अमाउंट हमें प्रीमियम का अभी तक रिसीव नहीं हुआ। उसके साथ टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर हमें कॉल का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ। यहाँ इन दोनों को क्रेडिट करने का लॉजिक ये है कि जब इनको ड्यू किया था तो इतने पैसे से ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है, बट हमने तो वो पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया, तो इसीलिए कैंसिल करने के लिए इन दोनों को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पर। और जो पैसा हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं शेयर होल्डर से, वो पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं, एंड दैट अमाउंट विल नॉट बी गिवन बैक टू द शेयर होल्डर। तो ये हमारा एक प्रॉपर जर्नल एंट्री है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के लिए, जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रहेगा नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप से। प्रीमियम अमाउंट डेबिट तब होगा जब वो रिसीव हमें नहीं होगा। अगर रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम यहाँ पर कैंसिल नहीं होने वाला, एंड देन जितना पैसा नहीं आया वो रिस्पेक्टिव आइटम के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो पैसा हम रिसीव कर चुके हैं वो पैसा हम क्रेडिट कर देंगे शेयर फॉरफिटेड में। तो ये है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर का जर्नल। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बिल्कुल रिवाइंड करके अच्छे से देखें और समझें। इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल एमसीक्यूज यहां से आने ही वाला है। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस जर्नल एंट्री के बारे में। तो देखिए, कंपनी फॉरफिट कर रही है 500 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मींस एक कंपनी के 500 शेयर्स थे जो एक शेयर होल्डर के पास थे, 10 ईच पर उसको इशू किया गया था। यहां पर ये शेयर होल्डर 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है सुपर अचीवर हमारे, कि जब भी हम फोर फीचर का केस लेंगे तो हमें दो बातों का जरूर पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है उसमें से कितना पैसा तो पे किया और कितना पैसा पे नहीं किया। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू और कॉल्ड अप, जिसमें से 3 रुपए हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 7 रुपीज विल बी रिसीव्ड। तो 7 रुपए हम रिसीव करके इस फॉरफिटेड अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब इसका जर्नल क्या होगा? आप लोगों ने ऊपर जर्नल के कॉन्सेप्ट को समझा, तो देखो शेयर रिड्यूस करने के लिए हम शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 500 शेयर जब्त किए जाएंगे इनटू 10 बिकॉज द फेस वैल्यू इज गिवन, तो 5000 हो जाएगा। जो अमाउंट पे नहीं किया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
उसे क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, तो 500 × 3 = 15 और बाकी 7 रुपीज हमने रिसीव करके फोरफीटेड अकाउंट में रख लेना है, सो दैट बिकम्स 3500। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो आपको जर्नल एंट्री बनाने में काफी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत सिंपल बात है, कितना पैसा हमारे पास आया और कितना नहीं आया, ये दो बातें पता है तो डेफिनेटली हमारा जर्नल हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल में डेबिट कर दिया 5000, 1500 रिसीव नहीं किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हुआ, और फोरफीटेड अमाउंट में जो पैसा हम रिसीव करके जब्त कर लेंगे, वापस नहीं करने वाले। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर कैपिटल जब डेबिट करेंगे तो ये कॉल्ड अप वैल्यू से रहेगा या फिर फेस वैल्यू से। सबसे पहले हम कॉल्ड अप को चेक करेंगे, उसके बाद हम फेस वैल्यू चेक करेंगे। अगर कॉल्ड अप गिवन है तो कॉल्ड अप से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कॉल्ड अप गिवन नहीं है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब कंपनी ने इतने नंबर ऑफ शेयर को रिड्यूस कर दिया, इट मींस अगेन कंपनी के पास इतने नंबर ऑफ शेयर जिंदा हो गए, तो अब कंपनी इन शेयरों को दोबारा से भी क्या कर सकती है, री इश्यू कर सकती है। तो री इश्यू के हमारे पास यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहला है री इश्यूड एट पार, इट मींस जितना कॉल्ड अप वैल्यू था उतनी ही कॉल्ड अप वैल्यू या फेस वैल्यू में हमने दोबारा से उस शेयर को क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया। तो इस केस में हमारा जर्नल क्या होने वाला है, बहुत सिंपल, हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, बिकॉज शेयर कैपिटल विल इंक्रीज जब हम नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिटेड किए थे उनको दोबारा से री इश्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेना है, हम यहाँ पर सीधा डायरेक्टली अपने शेयर को री इश्यू कर रहे हैं। तो किसी भी पब्लिक को करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, शेयर कैपिटल कर दिया, क्योंकि पार पे किया, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं रहने वाला। अब दूसरा केस है कि शेयर री इश्यू किए जा सकते हैं एट डिस्काउंट, बट सेक्शन 53 अलाउ नहीं करता है कि डिस्काउंट पे इशू किया जाए। री इशूड हो रहा है फोरफिटेड शेयर का डिस्काउंट पर, बट ये सेक्शन 53 को वॉलेट नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला लॉस है उस लॉस को हम फोरफिटेड अमाउंट से मीट करने वाले हैं। तो अगर लॉस डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाए, डिस्काउंट मीन्स यहाँ पर कम वैल्यू पर, तो यहाँ बैंक अकाउंट हमारा डेबिट रहेगा जितना पैसा हम रिसीव करने वाले हैं, और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट से डेबिट नहीं करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन शेयर्स पर हम ये अमाउंट रख चुके हैं फॉरफीट करके, वहीं से इस डिस्काउंट को हमें यहाँ पर मीट करना होगा, कवर करना होगा, और टू शेयर कैपिटल ही रहने वाला है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट नहीं होने वाला है, डिस्काउंट की बजाय यहाँ पर शेयर फॉरफीचर या फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट होने वाला है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज बनता है कि री इशू के टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट का लिमिट क्या रहता है। तो देखो बच्चों, उतना ही डिस्काउंट हो सकता है जितना अमाउंट हम फोरफीट करके रख चुके हैं। अब फोरफीट करने वाला अमाउंट मींस जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया। तो सपोज अगर 10 रुपीज का शेयर है, 7 रुपीज अगर पे कर दिया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ हम दे सकते हैं 7 रुपीज का, और मिनिमम 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड केस था री इश्यू एट डिस्काउंट। अब थर्ड केस हम देखते हैं री इशू एट प्रीमियम। अब प्रीमियम तो आप समझ चुके हो, शेयर इशू भी किया जाता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डेफिनेटली ये एंट्री हम पहले से ही समझ चुके हैं, बैंक में पैसा जो आ रहा है शेयर कैपिटल में शेयर का फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, और प्रीमियम जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम ले रहे हैं। तो 3 कंडीशन के हिसाब से हम अपने फोरफिटेड शेयर को री इशू कर सकते हैं, री इशूड एट पार, री इशूड एट डिस्काउंट एंड री इशूड एट प्रीमियम। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही आप इसके एमसीक्यूज को अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद जब हम फोरफिटेड शेयर को री इशू कर लेते हैं तो जो फोरफिटेड अमाउंट कंपनी के पास होता है वो कंपनी के पास शेयर कैपिटल में प्लस हो जाता है अगर हम शेयर रीइशू नहीं करते हैं। बट अगर फोरफिटेड शेयर को रीइशू कर दिया जाता है तो हम उन्हीं शेयरों पर शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा ले चुके हैं। अब जो पैसा जब्त करके कंपनी कमा चुकी है
फायदा कमा चुकी है, उस फायदे को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि फोरफिटेड अमाउंट जो है उस अमाउंट को रीइश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां इंपॉर्टेंट नोट ये रहने वाला है कि यहां पर फोरफीचर का जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में उतना जाएगा जितने शेयर हमने रीइश्यू किए हैं। इट मीन जो रीइश्यूड शेयर है उन रीइश्यूड शेयरों का जो फोरफीटेड अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1000 शेयर फोरफीट किए और उस पर 5 रुपीज रिसीव किया तो 5000 हुआ। मैंने उसमें से 500 शेयर को रीइश्यू किया, सो हम 5000 टोटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करने वाले, हम उसका हाफ पोर्शन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। ये जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी जर्नल के ऊपर हमारा MCQs 101% MCQs बेस पेपर में आने वाला है। तो आपके लिए एक ट्रिक भी रहेगी इसके लिए बाद में कि आप कैसे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि फोरफीचर की जर्नल कैसे की जाती है, रीइश्यू कैसे होता है और फिर फोरफीटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, आरके लिमिटेड फोरफीट कर रहे हैं 500 शेयर ऑफ 10 ईच। फेस वैल्यू कितना है 10 ईच, बट कितना कॉल्ड अप है 80, तो हमारा क्वेश्चन 100 से नहीं 80 से होगा। उस पर शेयर होल्डर ने 20 रुपीज पे नहीं किया फर्स्ट कॉल का और उसमें से 200 शेयर इश्यू कर दिया 90 रुपीज फुली पेड अप। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा वैल्यू क्या था उसका, हमारा वैल्यू फेस वैल्यू 100 था बट कॉल्ड अप कितना रहा 80, पर हमने उसको 90 में इशू किया फुली पेड मान के। इट मीन्स फुली पेड मीन्स उसकी फुल वैल्यू 100 वाला कितने में करेंगे 90 में। सो इट मीन्स 10 रुपीज का यहाँ पे क्या रहने वाला है डिस्काउंट। तो देखते हैं कि हमारा जर्नल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर फोर फीट करेंगे हम तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितना 500 शेयर हम कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप और फेस, बट कॉल्ड अप इज गिवन, देन कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स 40,000। क्या पे नहीं किया फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सो टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इनटू 20 10,000 और जो अमाउंट पे हो गया है दैट इज शेयर फोरफीटेड अकाउंट 500 इनटू 60। क्यों? क्योंकि 80 कॉल्ड अप था, 20 आपने पे नहीं किया तो 60 ही होगा जो रिसीव करेंगे। सो ये 30,000 अमाउंट है फोरफीटेड में। अब ये 30,000 अमाउंट का कंपनी क्या करेगी, ये हमारा शेयर कैपिटल में ही प्लस होने वाला है, बट अगर ये शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो 30,000 अमाउंट फोरफीटेड वाला कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब कंपनी ने यहां पर 200 शेयर रीइश्यू किया, कितने में किया 90 में, तो कंपनी क्या करेगी जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 200 इनटू 90 दैट बिकम्स 18,000। अब यहां पे फुली पेड अप, इट मींस 100 वाला 90 में किया तो 10 रुपीज का क्या हुआ यहां पर डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा 200 इनटू 10 दैट बिकम्स 2000 और हमारा शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 10 रहने वाला है, सॉरी 100 है यहाँ पे, सो 20 इंटू 100 के हिसाब से कितना बन जाएगा 20,000। तो इस तरीके से 200 शेयर हमने रीइश्यू कर दिया। अब जो ये फोरफिटेड अमाउंट है ये हमारा 500 शेयर पे पर हमने रीइश्यू कितना किया 200, तो 200 का फोरफिटेड अमाउंट निकाल के हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व हमारा लास्ट एंट्री रहेगा। हमने निकाला 20,000 का, सॉरी 30,000 ये फॉरफिटेड अमाउंट है, ये 500 पर है तो 30,000 डिवाइडेड बाय 500 और 200 पे निकालना है तो वो बनेगा 12,000 रुपए। बट 12,000 में से रीइश्यू के टाइम पर जो ये लॉस है वो हमें कवर करना है, तो 10,000 ही होगा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हमने फोरफीचर और रीइश्यू को समझने की कोशिश की। तो आप लोग भी बार बार इस वीडियो को चेक करके अच्छे से इसको समझें ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की फुल क्लैरिटी रहे। तो फोरफिटेड अमाउंट ऑफ ओनली रीइश्यूड शेयर विल बी ट्रांसफर टू द शेयर रिजर्व। ये यहां पर इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है कि हम फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तभी करेंगे जब हमारा शेयर रीइश्यू हो जाएगा। अगर रीइश्यू नहीं होगा तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक फोरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू का। This video will be very helpful because MCQs यहाँ से आने ही वाला है, तो आप MCQs based paper के लिए forfeiture और reissue के topic को बहुत अच्छे से समझे और complete concept clarity लेकर अपने MCQs question को strong बनाए।
सो टेक केयर, गुड बाय।